भारत को विश्व गुरु बताने वालों के लिए बुरी खबर है। जिस देश में 5 किलो अनाज देना सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया, उस देश की भुखमरी का हाल आज आप देख लीजिए। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर भारत वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में 116 देशों की सूची में पिछड़कर 101वें स्थान पर आ गया है। इससे पहले भारत इस सूची में 94वें स्थान पर था। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत इस लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले संगठन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट पर गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस सूची में 5 से कम GHIS स्कोर के साथ चीन, ब्राजील और कुवैत समेत 18 देश शीर्ष स्थान पर है। यह रिपोर्ट आयरलैंड की सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी के संगठन वेल्ड हंगर हेल्प ने तैयार किया है। GHIS स्कोर इन संकेतों पर तय होता है। पहला, चाइल्ड वेस्टिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, तीव्र कुपोषण को वो दर्शाता है। चाइल्ड स्टंटिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम है, जो लंबे समय से कुपोषण को दर्शाता है। और बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को इसमें ऐड किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड वेस्टिंग में भारत की हिस्सेदारी साल 1998 से 2002 के बीच 17.1% से बढ़कर 2016-2020 में 17.3% हो गई। इसमें कहा गया कि भारत सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग वाला देश है, जहां COVID-19 महामारी और उसके चलते लगाए गए प्रतिबंधों से लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। भारत के पड़ोसी देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थिति की बात करें तो नेपाल 76वें स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश भी 76वें स्थान पर है, म्यांमार 71वें स्थान पर है और पाकिस्तान 92वें स्थान पर है। रिपोर्ट में इन देशों में भी भूख की स्थिति को चिंताजनक करार दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि ये देश भारत के मुकाबले अपने नागरिकों की भूख मिटाने में कहीं अधिक बेहतर स्थिति में है। अब सवाल ये है कि गरीबों की भूख मिटाने के नाम पर सरकार ने जो भी काम किए उसका असर धरातल पर देखने को क्यों नहीं मिला? अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जाता है तो भारत की स्थिति क्यों नहीं बदलती है? इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।